हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से फिर से बात करने आ गया। कल मेरी पहली वीडियो थी जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत सारे लाइक्स दिए एंड बहुत लोगों ने देखा। तो चूंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ऐसा वीडियो बनाया जाए कि लोगों को पता चले कि स्टॉक मार्केट में क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको लगता है कि वो इससे बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। ऐसा उनको इसलिए लगता है कि बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जिसमें कि लोगों ने बहुत अच्छे कमाए हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी प्रॉफिट्स दिखाते हैं कि मैंने इतने कम टाइम में इतने पैसे कमा लिए, और लोगों को लगता है कि इससे बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। बट एक बात बताओ, अगर स्टॉक मार्केट से इतना आसान होता पैसा कमाना, तो लोग इतना पढ़ते क्यों, इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करते हैं? है कि नहीं? सो पॉइंट इज कि स्टॉक मार्केट में जोखिम है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम है। आप कोई भी काम करने जाओ, उसमें जोखिम है। लेकिन उसको जोखिम से निपटने का क्या तरीका है कि आप जिस एरिया में काम कर रहे होते हैं, आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अभी जैसे आपको गाड़ी चलानी है, आप पहली बार गाड़ी चलाओगे, आपको नहीं पता होगा कि हैंडल स्टीयरिंग किधर है, एक्सलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, तो आप तो एक्सीडेंट करोगे ही। आपको सीखने का टाइम चाहिए होता है ना। आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करते हो तो आप कितने साल पढ़ाई करते हो? 14 साल, कम से कम 13-14 साल पढ़ाई करते हो, तब आप इस लायक बनते हो कि आप पैसा कमा सको। बट स्टॉक मार्केट में आने पे लोग क्या सोचते हैं कि मैं पहले दिन से पैसा कमाने लग जाऊंगा। तो ये सोच है, यही सोच है जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं। आपको पता है कि मार्केट में 90% से भी ज़्यादा, 95% लोग ऐसे हैं जो लॉस करते हैं और वो निकल जाते हैं, अनटाइमली निकल जाते हैं, और उनका पूरा कैपिटल का लॉस हो जाता है। इवन बहुत बार लोग कर्ज लेके लगाते हैं, उनको लगता है कि बहुत जल्दी पैसा कमा लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, वो लॉस करते हैं। और मार्केट ऐसा है ही, जो कमज़ोर लोग हैं ना, उनसे मार्केट पैसा चूसती है, लेती है। जो कमज़ोर है, वीक है, उसको एलिमिनेट करते हैं। मार्केट का ये रूल है कि वीक पर्सन हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। अब आप न्यूटन का उदाहरण ले लो। न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता है, कितना ब्रिलियंट इंसान था, कितना इंटेलिजेंट था, बट वो भी इस मार्केट से कभी नहीं कमा सका। उसकी कहानी है, और वो भी स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा लॉस करके निकले थे। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एक अलग तरीका है। आप ऐसे नहीं, आप सिंपली इंटेलिजेंट हो तो आप पैसा कमा लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। सो हम जानते हैं, आज डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें ना, किसी के बताए हुए, कोई बता देता है कि ये शेयर ले लो, तो नहीं लेना चाहिए। किसी कहने पे शेयर नहीं लेना चाहिए। शेयर खरीदने का क्या मतलब होता है पता है? शेयर खरीदने का ये मतलब होता है कि आप उस बिजनेस को खरीद रहे हैं, आप किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो आप कौन सी बिजनेस खरीदोगे? आप ऐसे ही जाके आंख मूंद के किसी कहने पे बिजनेस तो नहीं खरीद लोगे। आप पहले पता करोगे कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है, फ्यूचर में कैसा करेगा, अभी जो इसका मालिक चला रहा है वो कैसा है, ठीक ठाक है, या फिर जो पैसा आता है उसको कुछ अलग डाइवर्ट कर देता है, या उसको उस पैसे का ऐशो आराम, अपने ऐशो आराम के लिए यूज़ करता है, जैसे विजय माल्या की तरह। तो कंपनी क्यों बर्बाद हुई? इतनी अच्छी कंपनी किंगफिशर बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हुई? क्योंकि उनका जो मालिक था, उन्होंने अपने पैसे को डाइवर्ट किया था। दूसरी बात यह है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। सबसे पहले आपको उसका जो एनुअल रिजल्ट होता है उसको स्टडी करना पड़ेगा। कम से कम 5-6 साल का जो रिजल्ट है, आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा। उसमें देखना होगा कि इसकी जो बैलेंस शीट है वो हेल्दी है या नहीं। बैलेंस शीट हेल्दी होने का मतलब होता है कि उसकी सेल्स की जो फिगर है वो साल दर साल बढ़ रही है या नहीं, या कंसिस्टेंट, नहीं तो कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। दूसरी, उसका जो प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंट ग्रो करना चाहिए,
या फिर गिरते हुए, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। या ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि अचानक से बहुत प्रॉफिट हो गया, ऐसे भी कंपनी नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी का यही मतलब है। उसके बाद उसका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो मतलब कितना कैश आ रहा है जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि उधारी में सामान बेच रहा है उधारी उनके ऊपर होता जा रहा है, मतलब नकद में कुछ काम नहीं हो रहा है, उधारी में काम किया जा रहा है, तो ऐसी कंपनी भी लेने कोई फायदा नहीं। दूसरा कि कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे पी रेशियो, पीवी रेशियो, कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और कंपनी का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, ये भी हमें देखते रहना चाहिए। और उसका जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, उसका जो स्टेटमेंट होता है, एनुअल स्टेटमेंट होता है, उसको कॉन कॉल बोलते हैं। कॉन कॉल में मैनेजमेंट बताती है कि उनके आगे क्या प्लान है, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या प्लान है, क्या कर रही है, उनके क्या क्या चैलेंजेस है, सब बताती है। तो वो भी कॉन कॉल भी हमें सुनना चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए, उस पर टाइम देना चाहिए। और सबसे आसान है कि अगर आप इतना स्टडी नहीं करना चाहते हो और जानना चाहते हैं कि कौन सा शेयर है जिसमें हम लगाएं, तो सेंसेक्स या निफ्टी, सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स है, जैसे सेंसेक्स क्या इंडिया की टॉप 30 कंपनी को मिला के बनाई गई है, उसी तरह निफ्टी इंडिया के 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनीज को मिला के बनाई गई एक इंडेक्स है, तो उसमें से आप कोई शेयर चूज करो, उसमें निवेश करो। ये एक तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा आपको स्टडी करने का टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो आप एक काम कर सकते हैं। दूसरी बात कि पेनी स्टॉक्स, आजकल क्या होता है बहुत सारी कहानियाँ चलती कि लोग 3 रुपये का शेयर खरीदा और 3,000 हो गया, इस तरह की कहानियाँ बहुत मार्केट में आएंगी और ये जानबूझ के फैलाया जाता है ताकि रिटेल निवेशकों को ट्रैप कर सके। मार्केट में ट्रैप का गेम बहुत चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, लोगों को ट्रैप करने का, जो नए लोग होते हैं ना वो इजीली ट्रैप हो जाते हैं। तो आप उसे बोलते हैं पेनी स्टॉक्स, जो 10-100 रुपये से कम का स्टॉक्स होते हैं वो पेनी स्टॉक्स होते हैं, और उसकी फंडामेंटल्स अगर आप अच्छी नहीं है तो उसमें लॉस होना ही होना है। तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। इनिशियली आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिस शेयर को भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि सारे पेनी स्टॉक्स ख़राब होते हैं, बट मान के चलो कि 100 में 95 में रिस्क हो सकता है, 5% अच्छे हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अभी देखो जैसे अभी आइडिया देख लो, आइडिया अच्छी कंपनी है बट, और बहुत सस्ते में मिल भी रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जाके निवेश कर ले, क्योंकि आइडिया की फंडामेंटल अभी बहुत ख़राब है। सिमिलरली यस बैंक में लोग पैसे खरीदे जा रहे हैं, यस बैंक ठीक है थोड़ा सा अभी ग्रोथ का आया है बट अभी भी इसमें टाइम है, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो तो उसके अनुसार नहीं लगता कि वो शेयर कभी आने वाले 4-5 सालों में वो उसकी प्राइस 50 से ज़्यादा जाएगी। पहले उस 400 के शेयर हुआ करती थी और आज के डेट में 15-16 रुपीज़ की मिल रही है, और मुझे नहीं लगता कि वो 50 से ऊपर जाएगी। अगली बात ये रहती है कि न्यूज़ देख के, न्यूज़ लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल लगा के बैठते हैं, उसमें जो जो न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये शेयर ले लो, ये शेयर ले लो, वो भी एक ट्रैप होता है, बहुत सारे टाइम्स वो ट्रैप होता है। तो उसमें भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका सुन के अपने आप नहीं लेना चाहिए सर, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों के कहने पे कोई ये शेयर खरीद लिया है, मेरा किसी दोस्त ने ये शेयर खरीद लिया, किसी संबंधी ने ये शेयर खरीद लिया है, तो ये भी काम नहीं करना चाहिए। एक होता है, एक वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब होता है कि सामने वाले ने ले लिया है और मैंने नहीं लिया तो मैं मिस कर गया। बहुत बार होता है कि मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, किसी ने 20 रुपये पे लिए होता है और शेयर बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, 50 की हो चुकी है तो हम 50 पे ले लेते हैं इस डर से कि हम तो मिस कर गए, और वो शेयर उसी दिन से गिरना स्टार्ट होती है और वो 50 की शेयर फिर आके 25 पे आ जाती है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा होता है। एक मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है, मार्केट की जो स्टडी है वो 10% है और बाकी 90% साइकोलॉजिकल गेम है। 90% रिटेल इन्वेस्टर इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि मार्केट उनकी सोच से आगे चलती है, वो जब वो सोचना स्टार्ट करते हैं ना कि हम
इस शेयर को अब लेना चाहिए, तब तक उसका गेम खत्म हो चुका होता है। और ये इस चीज को समझने में लोगों को 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि शेयर लेने से पहले बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें तभी शेयर ले, वरना टाइम दे, सीखे, सीखने में समय दे, ज़्यादा पैसे ना लगे। इनिशियली आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, थोड़े पैसे में ही थोड़ा 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 काम करते करते आपको कम से कम 2 से 3 साल देना पड़ेगा सीखने के लिए। समझो कि आप एक ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन 3 साल या 4 साल की होती है, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलती है, तब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसी तरह की इसकी स्टडी है। लगता है वीडियो बड़ा बन गया है, बट बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है, मैं आगे की वीडियो में बताता रहूँगा आप लोगों को। फॉर नाउ थैंक यू, विल मीट अगेन।